एक बार फिर से गुजरात चुनाव का रुख कर लेते हैं, क्योंकि 29 नवंबर को आखिरी दिन है जब चुनाव प्रचार किया जाएगा। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इस बीच ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी कर रही है। 27 साल से बीजेपी यहां गुजरात में सत्ता में है, लेकिन सारा का सारा दारोमदार स्टार प्रचारक के तौर पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर है। वो गुजरात में मौजूद है। कल उन्होंने 4 रैलियां की थी, आज भी 4 रैलियों का कार्यक्रम है उनका। वही अंदाज, वही तेवर। गुजरात में 27 साल से जारी सत्ता के सफर को कायम रखने के लिए गुजरात में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार अभियान जारी है। वो विरोधियों पर हमलों की बौछार कर रहे हैं, अपने विकास मॉडल की तस्वीर पेश कर रहे हैं और अपने खास अंदाज में वोटरों से कनेक्ट भी कर रहे हैं। दुनिया में गुजरात नो डंको वागे वो गुजरात बनुजे कि नहीं बनुजे, आप कौन कर से भाई, कौन कर से? गलत, मोदी नहीं, आपने बता साथे मरी ने कही छो, आप गुजरात को जवानियों कर से। कल पीएम मोदी ने गुजरात में 4 रैलियों को संबोधित किया। दाहोद, मेहसाणा, वडोदरा और भावनगर, मध्य गुजरात के आदिवासी बहुल दाहोद शहर की रैली में पीएम मोदी ने देश में पहले आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहाने कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी। आज 75 वर्ष पछी आप विचार करो, 75 वर्ष थी गया, आ देश में ढगलाबंद राष्ट्रपति बनी गया, पर कांग्रेस ना लोगों ने क्यारे कोई आदिवासी ने राष्ट्रपति बनावानो विचार ना आयो भाइयों। आ भारतीय जनता पार्टी से जेने पहली बार देश में आदिवासी राष्ट्रपति अने हेमा पण महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनावी ने दुनिया नी अंदर एक संदेश आप्यो छे। पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कटाक्ष किया। अत्यारे मैं जोयु छे एक भाई पद माटे यात्रा करी रहा छे। अबे पद माटे कोई यात्रा करे मां काई वांधो नहीं, लोकशाही में होय, पण केवू भाषण करे छे तमे जुओ। आदिवासीओनी वात करे हूं जरा आ पद माटे फाफा मारता लोकोने पूछवा मांगु छू कि जारे भारतीय जनता पार्टी ए एक आदिवासी बहन ने राष्ट्रपति ना उम्मीदवार बनाया तो एमने टेको आपवामां तमारा पेटमां शू दुखतुं तुं भाई? अरे मोकळा मने कहेवुं तुं एक आदिवासी दीकरी आ देशनी राष्ट्रपति बनती होय तो हमारा कोई राजकीय मतभेदो नहीं, हमें 100% टेको आपीजु, पण एवू ना करियो। आपणा राष्ट्रपति ना उम्मेदवार आदिवासी बहननी सामे हमने उम्मेदवार उभो राख्यो, एमने हरावा माटे आकाश पाताळ एक करियो। पीएम मोदी की खासियत है कि हर रैली में वो अलग अलग मुद्दों पर फोकस करते हैं। दाहोद में आदिवासी राष्ट्रपति के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा तो मेहसाणा की रैली में कांग्रेस मॉडल की नई परिभाषा बता दी। कांग्रेस नो मॉडल एटले अरबो खरबो नो भ्रष्टाचार, कांग्रेस नो मॉडल एटले एनी मॉडल नी एक जो खाण भाई भतीजावाद, कांग्रेस नु मॉडल एटले वंशवाद, कांग्रेस नु मॉडल एटले परिवारवाद, कांग्रेस नु मॉडल एटले जातिवाद, कांग्रेस नु मॉडल नी पहचान संप्रदायवाद, वोट बैंक पॉलिटिक्स, आज कांग्रेस नी पहचान।
गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। चुनावी शंखनाद के साथ ही पीएम मोदी अपने गृह राज्य में धुआंधार रैली कर रहे हैं। 19 से 21 नवंबर के बीच उन्होंने कई रैलियों को संबोधित किया। एक दिन के ब्रेक के बाद कल 4 रैलियां की और आज भी उनकी 4 रैलियां हैं। आज तक ब्यूरो।